पेपर के 10 रुपए देता है लेकिन हिंदी पेपर के सिर्फ 5 रुपए। डर्टी फेलो। बंडा है ये तो वही मसक्कली टीचर है ना, आजकल हर जगह दिख जाती है यार। आपके काम है इसे देखकर वो हॉस्टल की टीचर याद आ जाती है जो हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती थी। वो जब क्लास में आती थी तो पता है क्या बोलते थे अपन? गुड मॉर्निंग टीचर, हियर यू कम। जय कृष्णा। कम नो, देयर शी कमिंग। वैसे तुम किस टाइप की टीचर हो रहे? स्कूल कॉलेज छोड़कर दिन रात रास्ते पर लोगों की क्लास लेती रहती हो। वैसे आज का सब्जेक्ट क्या है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यार तुमसे अच्छे से बात करो फिर भी तुम चिल्लाती हो। कॉलेज के सामने बार खोल रहे हैं ना, बस इसीलिए सबको बुला रही हूं। क्या बार खोल रहे हैं? हमें नहीं बुलाओगी क्या? ओपनिंग डे पर सबको पार्टी मिल रही है क्या? पीने के लिए नहीं बुला रही हूँ बेवकूफ। हाँ। विरोध करने के लिए। तो बेस्ट है ना, दो पैक चढ़ाने के बाद मस्त विरोध करेंगे। हाँ। क्या बोलता बंदा? हाँ यार मस्त विरोध करेंगे। बोलिए मैडम किस चीज का विरोध करने का है? बार वालों के खिलाफ। क्या? अरे बार से क्या प्रॉब्लम है? ए, हम जैसों को बार में पीने से ही तो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत आती है। और मैं उन्हीं बार वालों से लड़के बार बंद करवाऊंगा। करेक्ट करेक्ट, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यू गो गो गो। जाओ ना। चाहिए चाहिए, इंसाफ चाहिए, बंद करो बंद करो, शराब की दुकान बंद करो। चाहिए चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हे, क्या तकलीफ है तुम्हें? कानून के मुताबिक कॉलेज स्कूल या मंदिर के आसपास बार ओपन करना अलाउड नहीं है। अगर हम कानून तोड़ सकते हैं तो सोचो हड्डियाँ कितनी जल्दी तोड़ेंगे। चल स्टूडेंट पे हाथ उठाने का अंजाम जानते हो तुम? स्टूडेंट तो क्या, उसकी टीचर पर भी हाथ उठाऊंगा। हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और तू एक लड़की पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन कर रहा है। हाय मैडम, हाउ डू यू डू? तेरी तो चाहिए चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे क्यों भाई क्यों? तुम मेरे हाथों से धुलना चाहते हो? हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे कोई नहीं छुपा सकता। रुक बचा
क्या रे लुक है, लड़की पर हाथ उठाएगा? हनुमंत, हे वायु की गति से चलने वाले, इंद्रियों को सदा अपने वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हे श्री हनुमान, आपको सारे जग का प्रणाम, पूरा जग आपकी शरण में है। जय हनुमान। रेप और मर्डर केस, पूरी लाइफ के लिए अंदर जाएगा। केस तो मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन उसका परिवार, हे भगवान, कोई बचाओ! बाजू की बस्ती वाले पोस्टमैन ने सब देखा है। पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। बेटा, तू तो घर की तकलीफों को जानता ही है, तो इन सब लफड़ों में पड़ना जरूरी है क्या? 15 साल की बच्ची थी वो माँ, उसे न्याय मिलना चाहिए। पापा जल्दी आना, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा, प्लीज। ठीक है बेटा, लक्ष्मी मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। उसका मुंह कैसे बंद करोगे? पापा जल्दी आना, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा। शिवू चल आकर सो जाओ। मैंने कहा था ना माँ, पापा के आने तक मैं नहीं सोऊंगा। कुरुक्षेत्र में अधर्म का अंत हुआ था, उसी प्रकार जब जब इस धरती पर धर्म के ऊपर अधर्म की जीत होगी, स्वयं हनुमान जी उस अधर्म का अंत करेंगे। पापा, ये मुझसे ज्यादा अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ है, लेकिन अब इसके पिता की मौत हो चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात इसे कैसे समझाऊं डॉक्टर? पिताजी एक दिन नहीं लौटे हैं तो बेचारे की ये हालत हो गई है। अगर शिवा को अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फिलहाल आप इसे कुछ मत बताइए। अरे खाओ ना, आराम से बैठकर मेरे पैसों को खाओ। माँ की तकलीफें बढ़ती जा रही थी, एक तरफ पति को खो देने का दुख, दूसरी तरफ बेटे को संभालने की जिम्मेदारी, और अब लेनदारों के झमेले। एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा मैडम, अगर तब तक भी मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुम लोगों को धक्के मार मार के निकालूंगा, और कोई चारा ही नहीं है ना। इस तरह रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार में जहर खाकर मर जाए। हर समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है बेटी। इस मासूम के बारे में सोच, तुम्हें इसके लिए जिंदा रहना होगा, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तेरी माँ होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दोबारा शादी कर सकता है ना। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हारे बेटे को भी सहारा मिल जाएगा, उसे बिना कुछ बताए कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज देंगे, उसके भविष्य के बारे में सोचो लक्ष्मी, शादी के लिए हाँ बोल दो। मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने खुद के लिए नहीं बल्कि शिवा के भविष्य के लिए की थी, उसे हॉस्टल भेजने का फैसला सही नहीं लग रहा। उन्होंने भी तुमसे शादी इसलिए की ताकि उसकी नन्ही सी बिटिया को माँ का प्यार मिल सके, उस बच्ची को भी तुम्हारी जरूरत है, भगवान ने उन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा है। पहले तुम घर में सेटल हो जाओ, उस बच्ची को अपनी ही बेटी के समान समझना लक्ष्मी। शिवा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। आपका सन किसी से भी बात नहीं करता है, हर समय अकेले बैठा रहता है, उसका क्लास उस तरफ है, आप जाकर मिल लो। माँ पापा आएंगे ना आज? हेलो शिवा, बार बार अपने पिता से बात करने की जिद कर रहा है। दोस्त पाप,
पापा। कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए मुझे, आप किधर हो पापा? शिवा को मेरी याद आ रही है। माँ। बेटा ध्यान से सुनो, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए शिवा, हमेशा तू क्या इस फोन के पास बैठा रहता है, चल ना बाहर सब क्रिकेट खेल रहे। मुझे नहीं खेलना। अरे चल ना। बोला ना मैं नहीं आऊँगा। माता, तू इतने गुस्से में क्यों है बेटा? पापा हमेशा काम है काम है काम है बोलते रहते हैं, मुझे भूल गए हैं क्या? मेरी बात सुन बेटा। क्या तू मेरे साथ आज मेले में चलेगा? मेले में जाना है? मैं नहीं आऊँगा। अरे सुन तो सही, मेले में झूले झूलेंगे और पता है साथ में चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून सब कुछ मिलेगा हमारे शिवा को। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे चल ना मेरे बच्चे। बोला ना नहीं चाहिए। अरे शिवा। इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा, ऐसा नहीं करते बेटा। आप कौन है? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अंकल पापा मुझसे गुस्सा है क्या? मैंने क्या किया? कब तक सच छिपाते रहेंगे, बता देते हैं ना? नहीं लक्ष्मी, पहले उसे मुझे पसंद करने दो, सही वक्त देखकर उसे सब बता दूंगा मैं। एक तरफ अपने पिता के इंतजार में बेटा दिन रात तड़प रहा है तो दूसरी तरफ उसकी माँ एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। पिता से ना मिलने का गम झेलने के साथ साथ वक्त ने उस लड़के से माँ की ममता भी छीन ली। अब बस भगवान ही दोनों माँ पुत्र को वापस एक कर सकते हैं। चुप रहो दादी, आपको कुछ नहीं होगा दादी। शिवू मुझसे एक वादा करेगा बेटा? हाँ दादी जरूर करूंगा। तू मुझसे वादा कर, उस बाबा की कसम खा। मैं बाबा की कसम खाता हूँ दादी, आप एक बार बोलो तो सही। तू 10 सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है, दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। उस रात को ही एक एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी। वादा करके तू
माँ का ख्याल हमेशा रखेगा। हेलो, आप कहाँ हो पापा? काम के सिलसिले में शहर आया हूँ बेटा। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अपने बेटे की आंख में धूल झोंक कर किसी और के साथ शादी कर ली इसकी माँ ने। अरे वो छोड़ो, वहाँ भी बेचारी सुखी है क्या? नहीं, बस बेटे को पढ़ाने के लिए वहाँ नौकरानी जैसे काम करती रहती है बेचारी। अरे इसकी दादी की बरसी पर भी उसके नए घर वालों ने नहीं आने दिया उसे। लगता है बेचारी के घर वाले बहुत कठोर हैं। देखो कितना बड़ा हो गया है फिर भी अपनी माँ को संभाल नहीं सकता, नालायक तरीका। यही रुक दो भाई। कितना हुआ? 150 रुपए हो जाएंगे। लाइए माँ जी। अंकल ये कितने का है? ओ तिरुपति से वापस आ रही हो क्या? एक लड़का कब से तुम्हारे घर के बाहर बैठा है? तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना? तूने दूसरी शादी की ना माँ? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बात कर रहा है? सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ मैं। तूने दूसरी शादी की ना माँ? शिवू आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बताओ आपने दूसरी शादी की ना माँ? हाँ की माँ। तू चुप कर। हाँ की तो अब क्या? चल अपने घर चलते हैं माँ, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दादी चल बस ये लेके मैं अभी तेरे लिए देता हूँ। क्या कह रहा है तू? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे लिए। हॉस्टल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई? तू तो अपने आप को मर्द समझने लग गया। मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परिस्थिति में होते? बुढ़िया मेरे और मेरी माँ के बीच में नहीं बोलने का। शिवू अगर तूने माँ जी से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा हूँ माँ। इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है लेकिन तू समझ नहीं पा रही है माँ। इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी पालने के लिए नौकरानी चाहिए थी। शिवू पूरी जिंदगी मैं अपने माँ बाप के बिना अकेला पला पड़ा हूँ। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। शिवू मेरी बात सुन। हाथ नहीं लगा देखा, बचपन से तुम पर भरोसा करता रहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझसे। अरे याद है तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही छीन लिया। शिवो ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है बेटा। मेरे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया आपने। मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले दिन ही सच बोल देते, तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे, अब से मैं ही तेरा बाबा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और यही असलियत है। नहीं ऐसा नहीं है शिवू। चल माँ बस बहुत हुआ चल। सुन पहले इनसे माफी मांग। हाँ माफी? गलती किसकी है? जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी या जो सर झुका के शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसकी? देख माँ दादी को तेरा जिंदगी भर ध्यान रखने का वचन दिया है मैंने और इस आदमी की तरह दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ मैं, नहीं तोड़ता। चल माँ चल। ये कौन है माँ? शिवू मेरी बात सुन, तू मुझे गलत समझ रहा है। शिवू मेरी बात सुन। शिवू चलो मुझे सब ने ठुकरा दिया, कोई बात नहीं सब के सब धोखेबाज है, ये प्यार रिश्ते नाते सब बकवास है, सब कुछ एक ढोंग है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, पत्थर की तरह बन जाऊंगा, सबको मेरे आगे झुकाऊंगा, शान से जीऊंगा मैं, यही दुनिया की सच्चाई है। कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक दिन उस आदमी के चंगुल से अपनी माँ को छुड़ाकर अपने साथ ले आऊंगा, अपने साथ।
बाप की बात नहीं मानते तू? मुझे मारा है, तुझे पैदा किया मैंने, ऐसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कर। ए अंकल, ए आप इसे क्यों मार रहे हो? हाँ ये तेरे दोस्त का मैं बाप हूँ, इसे मारने के लिए क्या तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये तेरा बेटा तेरे घर में होगा, फिलहाल ये मेरी छत्र छाया में है, इसके कंधे पर मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं तेरे को? हैं? हाथ तो क्या हुआ? मैं जिसको भी अपना मानकर उसके कंधे पे अपना हाथ रख दूँ ना, तो जब तक चार लोग मेरी अर्थी को कंधा ना दे दे तब तक उसका साथ दूंगा। मेरी इजाजत के बिना मेरे यार को कोई भी नहीं छू सकता। इसको मारने से पहले मैंने आज तक कभी इसकी माँ की परमिशन तक नहीं ली, तो इसे मारने के लिए तुझसे मैं परमिशन लूंगा क्या? बेटे को काम पर भेजूंगा ऐसा बोलकर मुझसे उधार लेके गया और यहाँ ड्रामा कर रहे हैं? ए, अरे मैं नहीं आऊंगा। ए, छोड़। अबे तेरी तो, मेरा हाथ छोड़ दे साले। अभी जाकर एक क्वार्टर मार के आता हूँ और तेरा मैटर क्लोज करता हूँ, तू जाना नहीं कहीं। आ, मैं भी यही पर हूँ। मैंने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना था, लेकिन फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया भाई? अबे तेरे में तो कुछ भी देखने लायक नहीं है। तो फिर? लेकिन तेरे बाप को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। वह तो फुल बेवड़ा है, उससे छोड़, अब अगर मैं घर पर गया तो बाप मारेगा, अगर बाहर रहा तो वो सेट मुझे मारेगा, तो अब मुझे तेरे साथ ही रहना पड़ेगा। क्या है? चल अपनी चेन निकाल। नहीं, मेरी माँ ने मुझे दी थी। माँ ने दी थी मुझ जैसे गुंडे के सामने माँ बाप का नाम नहीं लेने का, गलती से भी नहीं लेने का। चल अब चुपचाप चेन निकाल 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 तेरी। तुम्हें पता नहीं मेरे बाबा कौन है? और तुझे नहीं पता कि इसके बाबा कौन है? थोड़ा बुरा लग रहा है यार, छोड़ने को बोलना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है तो आके बंद कर ले। अरे वो प्रॉब्लम नहीं है यार, कब से पिछवाड़े पर ही मार रहे, ना ज्यादा डैमेज हो गया तो घर जाकर मुझे ही मलम लगाना पड़ेगा। तेरा अंदाजा लगा कि जिस आदमी की शक्ल ऐसी हो उसका पिछवा, दैट्स माय प्रॉब्लम। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है सर, बस सर। लेके जाओ सर। नमस्ते सर। हाँ बोलिए, क्या कंप्लेन है आप लोगों की? सर मैं शिवा का पिता हूँ। हेलो, तुम मेरे कोई पिता विता नहीं हो। ए, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है, समझे? देखिए ना सर, कोई भी हैरा गहरा मुझे यहाँ पर बेटा बोल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। देखिए मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर चुके, मैं इस आदमी को नहीं जानता। सर प्लीज आइए, आइए सर। ए, जाकर वहां बैठो, आप लोग भी बैठिए। बैठो लक्ष्मी। कहिए। सिर्फ आपके कहने पर मैं सर इसे छोड़ रहा हूं। थैंक यू सर। चलो लक्ष्मी। ए, इधर आओ। देखो तुम्हारे माँ बाप कितने शरीफ और संस्कारी हैं, कोई ढंग का काम वाम ढूंढो और इनका नाम रोशन करो। हाँ सर, वही करने वाला हूँ, लेकिन कैसे करूँगा देखते जाइए। अबुन जैसा कोई नहीं है यार। माँ तू मेरे पास आ गई। माँ माँ अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय तू इनका और अपमान कर रहा है। जो बेशरम आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी करता है वो आदमी तो अपमान के ही लायक है। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जाओ लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। मैं देखती हूँ लक्ष्मी, बदतमीज हो गया है ये। तुम छोड़िए मुझे। असली मर्द है तो मेरा गुस्सा मुझ पर निकालना। मेरी माँ पर हाथ उठाकर क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? बस तेरा बहुत हो गया, दूर रह मुझसे। और कितना दूर करेगी मुझे? अगर दूर करना है तो इस आदमी को दूर कर। माँ शिवा नहीं, तू सब
समझ क्यों नहीं रही है माँ? आज तो मैं सामने था इसलिए कुछ नहीं कर पाया ये, लेकिन कल को मेरी गैर हाजिरी में तुझे मार मार कर निशान भी ले सकता है ये। अभी तू एक पल इसके साथ ये मेरे पति है, जिंदगी भर मेरा ख्याल रखा है, कुछ नहीं बोलेगा। तेरी कोख से जन्म लेने वाला बेटा हूँ मैं, तेरी रक्षा करना अधिकार है मेरा। गलती मैंने की है ना, कोई पता तो मुझ पर हाथ उठा के दिखा ना। क्या हुआ, डर गया क्या? तो समझ में आएगा। क्या हुआ तुम्हें? तू चल माँ, चल मेरे साथ। हाथ लगा मुझे। अरे ओ पापी, जानवर बन गया है तू। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा बनेगा तो उसी रात हम दोनों को जहर दे के मार डालती। हाँ मुझे जहर दे दे माँ, लेकिन मेरा साथ चल, हमारे घर में दे दे मुझे जहर। बचपन से लेकर आज तक रोज मर रहा हूँ, एक ही बार में मार दे मुझे, चलना माँ। चाहता है ना तेरे साथ आऊँ? ठीक है, तुझे इन्हें अपनाना होगा फिर आऊंगी। किसी को अपनाने की तमन्ना दिल दिल से आनी चाहिए माँ। मेरा भी यही कहना है, मेरे भी दिल से नहीं आ रहा कि मैं तेरे साथ चलूं। लक्ष्मी, दादी को वचन दिया था ना? हाँ। मुझे खुश देखना चाहता है तो इन्हें अपने बाबा के रूप में स्वीकार करना होगा तुझे। ए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनिए, उठिए यहाँ से, चलिए यहाँ से चलते हैं। इसे अगर अपने माँ बाप चाहिए तो ये हमारे पास खुद आएगा। आप चलिए, चलिए यहाँ से। अरे वो तो नादान है, लेकिन तुमको समझने की कोशिश करो ना। तुम जाओ, आज तक अकेला रहा हूँ, आगे भी रह लूंगा। पहले मुझसे मेरा बाबा छीन लिया और आज मेरी माँ छीन ली, चलेगा? सब छीन लो सब कुछ। प्रतिवर्ष लोक कल्याण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं बेटा। ये बस्ती अब तुम लोगों की नहीं है, जेबी भाई इसे खरीद कर प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं। तुम सभी इस जगह को अभी कभी खाली करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सब निकलते बनाओ। ए, क्यों जाएं हम यहाँ से? हाँ, हम ये यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही ये बस्ती कभी खाली करेंगे। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एक पुजारी को ललकारने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है, आज तुम्हें स्वयं भगवान दिखाएंगे। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। कोई है? कोई है? क्या हुआ? अभिषेक की प्रक्रिया करते हैं ना भाई। की तारीफ, यहाँ क्या करने आए हो? जरा देखो तो, हमसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी लग रहा है। जिंदगी में कभी भी दोबारा पूजा रुकाने की कोशिश मत करना। अपने एरिया में कबूतर भी अपन से पूछ के हल्का होता है।
अपने काम में टांग अड़ाया ना तो टंगड़ी तोड़ डालूंगा। क्या तोड़ूंगा? चार लोगों को मारकर खुद को हीरो समझ रहा है? ए, मैं हूँ हीरो, साथ में किंग और नंबर वन भी हूँ। लेकिन हीरो विलन की डिस्कशन करने अपन यहाँ नहीं आया है। ठोकने, तुम सबको ठोकने आया है मैं। चल अब अपने भाड़े के टट्टू लेकर यहाँ से 10 सेकंड के अंदर कल्टी मार ले, नहीं तो एक एक को पटक पटक के अपन बिना डिटर्जेंट के धोएगा। शुक्र है जो उसे भेजा। अरे कहां गया वो, किसी ने देखा क्या? आंखों में अंगारों वाला मर्दों जैसी मुछो वाला, देखो देखो भाई आया हवा आने दे, हर जा रास्ता छोड़ दे। आया वो ही हारा, भाई ने ऐसा पंच मारा, उठ ना पाया वो बेचारा, हवा आने दे हजार रास्ता छोड़ रे। सर झुका आया आया भाई, आया भाई आया, सर झुका आया आया भाई, आया भाई आया रास्ता दे, आया आया भाई, आया भाई आया, सर झुका आया आया भाई आया, हट जा रे। को मारने का तो ख्वाब में ही सोचना, सामने जो आया तो तुम्हारा जाएगा। शेर जैसी चाल चलो सर उठा के, मैं तो रहूं ठाट मेरी, देख तेरी क्यों जली है रे। अपनी ही शर्तों पे जियो, जो जी चाहे वो ही करूं, किसी से भी मैं ना डरूं, भक्त हनुमान जी का मैं। सर झुका आया आया भाई, आया भाई आया, सर झुका आया आया भाई, आया भाई आया, आया आया भाई, आया भाई आया, सर झुका आया आया भाई आया, हट जा रे।
जिसको जो करना है कर लें। सीएम की बेटी का हॉस्पिटल तो यही बनेगा। लैंड के मालिक से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। ओके सर। अच्छा है। कहिए। नमस्ते ठाकुर जी, मेरा नाम जेबी है, बिल्डर हूँ। एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बाजू वाली कॉलोनी में मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ। आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मुझे कागजात मिल सकते हैं क्या? आप स्वयं यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैं आपको ये कागजात दिखा रहा हूँ। ये लीजिए। डुप्लीकेट कागजात के दम पर लोग कितनी सारी जगह हड़प रहे हैं और आप ओरिजिनल कागजात होने के बावजूद एक प्राइम लोकेशन को बर्बाद कर रहे हैं। और वहां के लोगों का क्या होगा? जगह आपकी है तो उनको भगाने की जिम्मेदारी मेरी। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाकर अच्छा मुनाफा हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स उसमें आपका भी शेयर होगा। सर, भगवान की दया से हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, और जमीन जायदाद इंसान अपने साथ लेकर नहीं जाता। वो जगह कुछ वर्ष पहले ही हमने उन बस्ती वालों को दान में दे दी थी, और एक बार दिया हुआ दान हम वापस नहीं लेते। किसी का घर उजाड़कर पैसे कमाने का पाप मुझसे नहीं हो पाएगा साहब। पाप पुण्य का हिसाब मनुष्य की मौत के बाद होता है। जब तक जिंदा हो सिर्फ पैसा काम आता है। ये कागज मुझे सौंप दीजिए, मैं एडवांस देने को तैयार। ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते, सोच लीजिए ठाकुर साहब। जीने के लिए पैसों की जरूरत हर एक मनुष्य को होती है, लेकिन हम पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वालों में से नहीं है। नेक दिल इंसान होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यह नेक दिली कहीं आपको महंगी ना पड़ जाए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। बलराम, तुरंत सभी धराओ। अरे मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। आप जा सकते हैं। ओ जी, ये सब क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ, कुछ नहीं हुआ है। जो करना है जल्दी करो। यू गाइस रेडी? पटाखे नहीं फोड़ोगी क्या? जाओ। क्लोज, गेम ओवर। वेल डन। थैंक्स डन। सर बिरयानी ऑर्डर की थी आपने? कब की थी? एक घंटे पहले सर, 300 हुआ। मैंने नहीं ऑर्डर किया। मैं पैसे क्यों दूं यार? आए लोग और उनकी बहनों, ये सब ऑर्डर किया है अपन ने, माय सेल्फ, मैंने। यू
क्योंकि आज अपन का हैप्पी वाला बर्थडे। सो तुम सबको अपने को पार्टी देने का है। तुम लोग को इतना तमीज तो आया नहीं कि अपने को विश करें, तो डिलीवरी बॉय को पेमेंट देने का, टिप्स देने का और काम पे लगने का। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बर्थडे है बोल के सबसे इतना बड़ा केक ऑर्डर करवाया था ना। ए, क्या रे, वो पिछले महीने का था, ये इस महीने का है। जिस तरह हर महीने का लाइट बिल वाटर बिल भरते है, उसी तरह हर महीने अपन का बर्थडे का बिल भी भरने का। तुझसे माता फोड़ी कोई पागल ही करेगा। पागल बिल दिखा। नाक में दम कर दिया इसने। यार मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। ये बंटा है, आज अपन का हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो मैं पटाखे फोड़ते जाता हूँ, तू एक एक करके निकालते जा। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। ए टकलू अंकल, ओए मां क्या कर रहा है, जिंदा जलाएगा क्या मुझे? अबे कुछ नहीं होगा, आ जा। ये वाला तो बिल्कुल नहीं किया। Actually, this problem that we solved already. See, what you have to do is apply the theory of. Hello, Mister. Yes, sister. I'm talking to him. Oh, brother, some ladies love come to talk you. Huh? You know how much pollution this causes? Breathing this causes bronchitis. And you know how affected the animals are? Is this world only for humans? जब डर लगता है तो मुंह से टाटर हिंदी निकलती है, लेकिन ज्ञान मिलते समय इंग्लिश। मातृभाषा त्याग कर अंग्रेजी में ज्ञान छाड़ने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, बोले तो पपलू। हेले अंडरस्टैंड? यस, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ कैन आई हेल्प यू? पटाखे फोड़ने से प्रकृति का विनाश होता है, समझे? समझ नहीं आता है कितना हानिकारक है। हानिकारक है मेरे पटाखे? हेलो, तुम्हारे मेकअप से लेकर तुम्हारे परफ्यूम तक, जो तुम लोग अलग अलग डिजाइन के नए नए बैग्स लेकर और कपड़े पहनकर दिन रात घूमते हो, पता है उसमें इस्तेमाल किए गए उत्पादों से प्रकृति को कितना नुकसान होता है? कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नेक्स्ट ना, हजार वाला फोड़ने वाला हूँ, यहाँ से कल्टी मार लो। कभी बोलते हो ये मत करो, कभी बोलते हो वो मत करो, हर दिन कोई नया ज्ञान फैलने आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो निकले यहाँ से। तमीज से बात कर। हाँ, एक और बार पटाखा फोड़ा ना तो देख। मुझे देखकर लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा। लेडीज लोग की अपन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम तो देखो, मैं तो नॉर्मल दिन में भी फुल पार्टी करता हूँ, तो अपने बर्थडे वाला दिन चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? चलो रे, अभी तुम लोग का बहुत हो गया, अब इससे पहले अपन का मूड खराब हो जाए निकलो यहाँ से। चलो फुटो, अंग्रेजी में बोले तो गेट लॉस्ट। चल यहाँ से। अरे जाना, चलना, इससे बहस करके हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए इससे लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से नहीं लगता। पुलिस स्टेशन चलो। ए, यहाँ शिवा कौन है? नीचे बुलाओ उसे। ए शिवा। क्या सर, इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है कि शिवा कौन है, और उसे जाने बिना ही आप इस एरिया में एंटर हो गए? दिस इज नॉट फेयर सर। बहरा, क्या सुनाई नहीं देता? यहाँ शिवा कौन है पूछा ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। अगर मिस्टर शिवा कौन है पूछते तो फिर सुनाई देता। अब बोल, क्या काम है अब उनसे? शिवा, अपन ही शिवा है, बता क्या हुआ? तुमने इस एरिया के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, इसीलिए मैडम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। ओहो, इंग्लिश वाली मैडम। सर, जैसे ब्रह्मांड की रक्षा शिव जी करते हैं, वैसे इस एरिया की रक्षा शिवा करता है, उसके खिलाफ कंप्लेन। शिवा शिवा, ये सब क्या चल रहा है बेटी? पिताजी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। उसके डैडी है। हाय सर, कम नाउ। क्या सर? अरे उस दिन अपन ने आप सबको बचाया, और आज आपकी बेटी मेरे ही खिलाफ कंप्लेन कर रही है। वैसे आजकल शहर में गुंडागर्दी काफी बढ़ती जा रही है ना, फिर भी मैडम कंप्लेन कर रही है, वो भी अपन के ही खिलाफ। आजकल वैसे किडनैपिंग के भी काफी केस बढ़ गए, और साथ साथ मर्डर के भी। ए, उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? ए, अपन इससे बात कर रहा है तुझसे नहीं, ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। अबे तेरी तो शाला बंद। सर रुकिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस मैटर को इधर ही खत्म कीजिए, मेरी बेटी का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। ए, मुंह बंद करो अपना।
पता है तुम अपने घर से बाहर पढ़ाई लिखाई करने निकलती हो, राह चलते लोगों से झगड़ने के लिए नहीं। सर मुझे क्षमा कर दीजिए सर, सॉरी मेरी बेटी ने आपका टाइम खराब कर दिया। चलो अब चलो। रुकिए। क्या सर, कंप्लेन की बात कर रहे थे ना, केस की बात कर रहे थे, चले क्या थाने में? अरेस्ट नहीं करेंगे क्या? ए बंटा, बिना किसी केस का अरेस्ट कर सकते है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। इस बार बच गया सोच कर ज्यादा फुदक मत, अगली बार जब किसी स्ट्रॉन्ग केस में फंसेगा ना तब मार मार के खाल उधेड़ दूंगा तेरी। भाई दिन दहाड़े पब्लिक के सामने मेरा ऐसा जुलूस निकाल रहे हो और गले में ये हार भी पहना दिया है मुझे, माफ करो यार, मुझे छोड़ दो, मैंने कौन सी गलती? उस लड़की ने कंप्लेन क्या कर दी? तूने तो गूगल मैप की तरह तेरे साहब को भाई के सामने लाकर ही खड़ा कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल चुपचाप। ओ अंकल, बाहर आओ अंकल, आपकी बेटी की वजह से अपन के पूरे मोहल्ले में इज्जत उतर गई है, बस बहुत हुआ, बाहर आओ। अरे अरे अरे, अब क्या हुआ? तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। सुनो बेटा, माफी चाहता हूँ, मेरी बेटी हॉस्टल में पली बढ़ी है ना, तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं उसे। नहीं पता था तो एक दिन हॉस्टल से छुट्टी करवा के बताना चाहिए था, मुझसे पंगा लेने से पहले आपकी बेटी को मेरे बारे में सब जान लेना चाहिए था। अब इस बात को खत्म कर दो बेटा। कैसे करूं अंकल, जब अपन मॉर्निंग वॉक पर निकलता है तो खड़े होकर पब्लिक सलाम ठोकती है अपने को, और इतने हाई रिस्पेक्ट वाले एरिया में आपकी बेटी ने मेरी इज्जत का फालूदा किया। तो अब तुम ही बताओ बेटा, अब क्या चाहते हो तुम? ये हुई ना सही बात, अपनी बेटी से बोलिए कि सबके सामने पैर पकड़ के माफी मांगे तो माफ कर दूंगा। सही गाना बंडा, एकदम सही। क्या समझता है? छोड़िए पिताजी, चुप। छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए ना। चुप रहे हो? सुन भाई, मैडम भड़क गई है, चल निकलते हैं। ए बंटा है, ये अपन की इज्जत का सवाल है, आज कुछ भी हो जाए माफी तो मांगनी पड़ेगी, समझा? ए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। इससे माफी मांग ले बेटी और बात खत्म कर। माफी मांगो? और मैं कभी नहीं। अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, तू चल लिख कंप्लेन, इस लड़की ने अपन का रेपुटेशन डैमेज किया, इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अरे जल्दी करो बेटी, माफी मांग लो। अरे ये मांग रही है ना, चलो मांगो। पिताजी मैं माफी नहीं मांगूंगी। ओके चलो, प्यार से अपन से माफी मांग लो। ये बोलना, ये लास्ट वार्निंग है, अपन लेडीज लोग के मामले से दूर रहता है, इस पूरे एरिया का किंग है मैं, अगर मैं पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर भी अपन से पीछा नहीं छोड़ा सकता, समझ में आया ना? जाओ सब लोग खाना खा लो, और खाना वेस्ट मत करना। जी गुरुजी। आप लोग जा सकते हो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, दिन प्रतिदिन आश्रम में बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दान देने वाले कम होते जा रहे हैं। देखिए, भगवान उनको तकलीफ देते जो सहने की शक्ति रखते हैं, भगवान हमेशा रास्ता दिखाएंगे। भाई चुपचाप कल्टीवेटर ले। भाई ट्रक की चाबी। हाँ ट्रक की चाबी चाहिए घर में। हर महीने 10 अनाज की बोरी यहाँ पहुँच जानी चाहिए, समझा? लेकिन उसका पैसा कहाँ से? जब तक अपन जिंदा है इस आश्रम का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, सारा खर्चा मैं उठाएगा। चल निकल, निकल ना डर्टी फेलो। ए ए ए, टीचर आ रही है, टीचर पोरे पोरे, क्या तकलीफ है तुझे? धाकड़ है बॉस, धाकड़ है, रुकना यहाँ रे, जल्दी जल्दी निकल ले, सारे सर झुकाए यहाँ मेरे डर से, और मिलने को मुझसे सारे तर से, मुझको तो कहते हैं राजा यहाँ का, तो कर ले मुझसे शादी और रानी बन जा। ना पूछो ना मुझसे मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ठोकता हूँ गुंड को बिना उनकी परमिशन, मेरी लाइफ में होगी तेरी स्पेशल पोजीशन, लिख दे हस्बैंड में मेरा नाम ऑन एप्लीकेशन। निकल ले रुकना यहाँ तू, निकल ले, निकल 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 ले। ऑर्डर किसी से लू ना पूछू किसी से, मैं जो चाहूँ कर लू मुट्ठी में। ए
है, बॉस से धाकड़ है, रुकना यहाँ रे, जल्दी जल्दी निकल ले, धाकड़ है, बॉस से धाकड़ है, रुकना यहाँ रे, जल्दी जल्दी निकल ले। ऐसे अटेले दोस्त से पाला पड़ा है मेरा, फ्रिज मंगा तो गली में खड़ी आइसक्रीम की गाड़ी उठा कर ले आया। इससे अच्छा मेरा बेवड़ा बाप था, दिन में एक बार मारता था, ये तो पूरा दिन मारता है। हाय भैया, गुड मॉर्निंग। अरे तुम फिर आ गई, वो देखेगा तो मुझे मार डालेगा। आज रक्षाबंधन है, चलो अपना हाथ दो। नहीं रे, अगर तुमसे राखी बंधवाई ना तो वो आकर मेरा हाथ काट देगा, तुम जाओ। तुम पूरे जोकर हो यार। जोकर बोली? हे भगवान, प्लीज साथ देना। भैया, तुम भेड़िया आ गई, चलो निकले यहाँ से। भैया आज रक्षाबंधन है। ओ, तो उसने तुम्हें भेजा है ना? हाँ, देख मुझे राखी बांधकर बेवकूफ नहीं बना सकते, माँ को तो मंगलसूत्र पहनाकर बना दिया, हर साल का नाटक है बाप बेटी का। अरे भिखारी को भी एक बार मना कर दो ना तो वो बार बार वापस नहीं आता, लेकिन तुम लोगों में जरा से भी मान मर्यादा नहीं है क्या? होगी भी कैसे, आखिरकार उसी की तो बेटी हो ना। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई नहीं बोलने का, मेरी माँ को छीनने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसा ठीठ मैंने नहीं देखा। ए, इसे बाहर भगाएगा या तुझे इस घर से बाहर भगा दूँ? भैया पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ये लोग, चलो निकले यहाँ से। हर साल आती हो और आंसू बहाकर वापस चली जाती हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाने वाला, जीत छोड़ा उसे भूल जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना, चलो घर जाओ। ऐसे ही मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रहा था। कितनी बार वहाँ जाने से मना किया है तुझे, पर तू सुनती कहाँ है? हर साल वहाँ जाती है और डांट खाकर वापस आती है, वो तो आधा पागल है लेकिन तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी, जिस लड़के ने अपना पूरा बचपन ठोकरे खा के काटा हो उसे समझने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल वो बदल जाएगा। यही तो मैं भी माँ से कब से कह रही हूँ ना, माँ मेरी बात सुनती ही नहीं है, माँ सच में वो बदल जाएंगे ना, प्रॉमिस। ये है, समझ गई। चल कॉलेज के लिए देर हो रही है, तू जल्दी निकल। चल चलो बेटा। हनुमान जी, जिस तरह आप सदा श्री राम जी का साथ देते रहे उसी तरह मेरे बेटे पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। ए बंटा, अपन ने सोचा कि आज बारिश होगी इसलिए 250 रुपए का छाता खरीद लिया, बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी वसूलना तो पड़ेगा ना। स्टॉप। अरे भाई, अगर गर्लफ्रेंड पीछे बैठाई है तो तू 10 बार ब्रेक मार भाई, लेकिन मेरे साथ ब्रेक क्यों मारता है? अरे वहाँ पर तो देख बंटा, ये तो वही टीचर है ना, अंधे बच्चों का पैसा चुरा रही है वो, और उस दिन हमारे खिलाफ कंप्लेन की थी और आज खुद देख कितनी घटिया हरकत कर रही है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लो बेटा, गुड लक। इन बच्चों को पैसे देकर इनकी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, इससे सिर्फ इनकी एक दिन की भूख मिटेगी, लेकिन इन बच्चों के जीवन में अगर आप लोग रोशनी भरना चाहते हैं तो आंखों का मतदान करना होगा। जिस तरह आपने दुनिया देखी है आपके मरने के बाद ये बच्चे भी देख पाएंगे। थैंक यू। बंटा है, अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। जेबी का बेटा हूं मैं। ए डार्लिंग, एक बाप के चाहे कितने भी बच्चे हों लेकिन उन बच्चों का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप होता है। उसी तरह इस शहर में भले ही कितने भी मोहल्ले क्यों ना हो लेकिन इस मोहल्ले का बाप मैं हूं और मैं ही रहूंगा। तो क्या तेरी परमिशन लेकर यहां काम करना होगा? परमिशन के लिए हमारे बीच में पार्टनरशिप होना जरूरी है। पार्टनरशिप? तुझे पार्टनरशिप देके मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं तेरे काम का नहीं होता तो तू मुझसे मिलने यहाँ नहीं आता,
सोन बंटा है, तू मेरे एरिया में बार खोल या डिस्को खोल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपन को हर हफ्ते माल पानी पहुंच जाना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, समझा? शाबाश। आज तक जितने भी लोगों के साथ धंधा किया अपनी शर्तों पर किया, लेकिन आज पहली बार किसी की मांगे कबूल कर रहा हूँ। तुझे जितना माल चाहिए मिल जाएगा। तो आज से ये बात तय हुई शिवा कि तू अब से मेरे लिए काम करेगा। बेटा आज से तेरे साथ काम करूंगा, मगर तेरे लिए नहीं। बस्ती खाली करवाने के लिए मैं उस ऑफिसर से मिलने जा रहा हूं, लेकिन बस्ती वालों की सहमति के बिना शायद हमें परमिशन ना मिले। तभी तो उस ऑफिसर के बेटे को मैंने अपना दोस्त बनाया। फिक्र मत करो, आप ये सब मुझ पर छोड़ दो डैड। चीयर्स। चीयर्स। ए, ब्रो, लड़की का हाथ मांगने आए हम लोग, बैक से एंट्री नहीं फ्रंट से एंट्री मारेंगे। हेलो पीपल्स, माय सेल्स एज अराइवल, पहली बार इस घर का दामाद आया है, कोई वेलकम नहीं करेगा क्या? कौन है? नमस्ते अंकल जी। यहाँ क्या करने आए? हेलो अंकल, पहचाना क्या? ए चल रहे पेलचू, तेरा ससुर है, मैं क्यों पेलचू? इधर कैसे आना हुआ बेटा? फिर से कुछ लफड़ा हुआ क्या? मेरी बेटी ने फिर कुछ कर दिया क्या? जी सर, मेरा दिल चुरा लिया आपकी बेटी ने। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अरे सर, आपकी बेटी से बहुत प्यार हो गया, इसे उसका हाथ मांगने आपके पास आए। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब टीचर मैडम से शादी करना चाहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? चुप रहिए पिताजी, बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या मैडम, मुझे भूल गई क्या? याद दिलाऊं क्या? वो लफड़ा हुआ था, पटाखे फोड़े थे, पुलिस बुलाई थी। आखिर हो क्या रहा है? आप रुकिए ना पिताजी। ओहो, पापा मम्मी के सामने हिचकिचा रही हो। ये क्या कह रहा है बेटी? चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुम बस जगह डिसाइड करो, ये मेरा नौकर सब साफ सफाई करवा के मस्त रोमांटिक टेबल बुक करेगा। ठीक है, अगर पिताजी सहमत हो तो। ये सब क्या है बेटी? He's asking question, please answer. ये कौन सा नया कैरेक्टर है? Fill in the blank. मैं इसका होने वाला पति हूँ। हम दोनों कमिट हो चुके हैं तो तू बीच में वॉमिट करने काहे को आया? बचपन में जब हम दोनों बहुत छोटे थे तो हमारे परिवारों ने हमारी शादी फिक्स करवा दी थी। वो बचपन की बातें थी बेटा, यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं और तू बच्चों जैसी बात कर रहा है। चल जा बेटा, दुकान में जाकर चॉकलेट खा ले। हेलो, मेरा जो असली रूप है ना, तुमने देखा नहीं है? आगे से मारता है, कोई ऊपर से मारता है, पीछे से मारता है, लेकिन मैं हर तरफ से मारता है। अरे यार, जो डायलॉग अपन लोग बचपन में गली के बच्चों के साथ मारते थे, वो बेचारा अभी तक वही मार रहा है। भाभी, ये आउटडेटेड वर्जन से शादी करेंगे क्या है मैडम? बस बहुत हुआ, प्लीज जाओ। हाँ थामने आया, लेकिन आप तो हाथ जोड़ रही हैं। ठीक है, इधर और देर रुका तो आपकी फैमिली पर मेरा रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा। मुझे लगा था जलेबी फाफड़ा तो खिलाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम खा लेंगे वन टाइम, नो प्रॉब्लम। साथ में बाय मैडम, सी यू। बाय 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 बाय। अरे चल बाय बाय। सर, अस्पताल बनाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, लेकिन ऑफिसर ने प्रोजेक्ट का अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। चलो देखते हैं। सर वो जब सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो साइन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर आपके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन बस्ती वालों के सहमति के बिना मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर पाऊंगा। बस्ती वालों की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद कर दूं? आप साइन कीजिए, बस्ती वालों को मैं देख लूंगा। सर आपको उनका अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, ये तो सरकारी काम है सर, इसमें बिना फेरबदल के कानून के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। हर 5 साल में सरकार आती है और चली जाती है, आप सरकारी नौकर हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मुझ जैसे बिल्डरों को खुश रखना सीखिए। एक छोटा सा साइन मारना है, मार दीजिए। माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक अधिकारी का साइन 5 साल में बदलने वाली सरकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उस साइन का महत्व कभी नहीं बदलता। सर आज दरअसल मुझे बहुत काम है, इजाजत दीजिए। Well said. फिर मिलेंगे। बोल दोस्त, क्या करने का मेरे को? तुम्हारे एरिया में डैड एक अस्पताल बना रहा है, अप्रूवल के लिए वो ऑफिसर साइन नहीं कर रहा है। अपन के एरिया में काम रुकवाने का दम और किसमें है? नो टेंशन, मैं साइन करवाऊंगा, तुम बस बोलो दोस्त कौन है ये ऑफिसर। रामकृष्णा। बिल क्लियर किए बिना बॉडी नहीं ले सकते। भगवान, अब क्या करूं?
रमेश क्या हुआ? बॉडी ले जाने नहीं दे रहे। ए, मेरे पैसे दो। मैं आपके पैसे दे दूंगा सर, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ये सब नाटक बंद करो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर 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 क्या हो गया सर? ए, इसने अस्पताल का बिल भरने के लिए मुझसे पैसे लिए, इसको बोल लौटाए, तू देगा क्या? सर 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 थोड़ा टाइम दीजिए ना सर। ठीक है रमेश तुम इधर आओ, ये लीजिए पानी पी लीजिए। देखिए आपके पास पैसे नहीं है ना, मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, पहले हमें बॉडी का लिवर और किडनी बेचना पड़ेगा, फिर उन पैसों से बिल क्लियर कर देना। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तो पहले बिल भरो ना, फिर बॉडी ले जाओ। सर आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बोला बे? फिर से बोला। अब कौन हो तुम? रिश्तेदार हो क्या इनके? दुखी इंसान की मदद करने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। हाथ हटाइए अपना, पता है कितना पैसा बाकी है इनका? बिल भरने के पैसे नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों है? किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते ना। इमरजेंसी के वक्त इंसान सबसे नजदीक का अस्पताल देखता है, समझा? जेब में कितना पैसा पड़ा है वो नहीं गिनता। मैं देखता हूँ बॉडी ले जाने से कौन रोकता है, लेके चलो। बस बस साइड में रुक गए, बस यही रुक गए। बाहर निकालिए। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी उतारो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट रुको, मेरी बात तुम सब लोग कान खोल कर सुनो। अंतिम संस्कार से पहले मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस लड़की के महान पिताजी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो उसने इलाज के लिए कर्जा लिया जो अब तक उन्होंने चुकाया नहीं है। तो पहला लोन क्लियर करो, फिर इसको लेके जाओ। अरे बेटा वहाँ हॉस्पिटल में तुमने हमारी पहले मदद की थी और यहाँ आकर ये सब कर रहे हो? अबे बुड्ढे, अगर हॉस्पिटल वाले बॉडी अपने पास रखते तो मैं पैसा कैसे वसूल करता? अरे अरे क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, हट, छोड़ो छोड़ो। हाथ हटा अपना, आया बड़ा। ए शिवा क्या कर रहा है तू? मेरी बात तो सुन बेटा। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, बीच में टांगने अड़ाने का। सबकी तरह शांत खड़े रहे और तमाशा देख, बेकार में हीरो बनने की कोशिश मत करना। ए हाथ ना लगाने का शिवू। ए अरे क्या कर रहा है बेटा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? अरे रुक जाना, किसी लाचार को रुलाकर तुझे पाप चढ़ेगा बेटा, बात को समझ बेटा। किसी को रुलाने से पाप लगता है, ये बात मुझे बोलने से पहले शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ, उसके हिसाब से तो फिर तुम हुए ना दुनिया के सबसे बड़े पापे। शिवू, ए शिवू इधर आ बेटे, इधर आ, मेरी बात सुन बेटा। गुरुजी आप यहाँ पर काहे को आ गए? आप ये सब कुछ नहीं समझेंगे, आप जाइए यहाँ से प्लीज। क्यों चाहिए तुझे पाप के पैसे? क्या पाप के पैसे? पाप के पैसे, पाप के पैसे कह रहे हैं आप? ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, समाना बदल गया। एक ही चीज याद रखिए, पैसा। पैसा जब बोलता है ना तो भैरा भी सुनने लगता है, ये है पैसे की ताकत। हे हो गया टाइम पास, चलो अब बताओ कौन पैसा देगा इसके लिए? तुम में से कोई देगा क्या? हा? बहुत तरस आ रहा ना इन लोगों पे, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बताओ कौन देगा इसका पैसा? मैं दूंगा पैसा, इनका कर्ज मैं चुकाऊंगा। शाबाश मिस्टर दानवीर, एक्साइटमेंट में कमिटमेंट तो कर दी, लेकिन पता भी है उसका कर्जा कितने का है? चाहे जितना भी हो मैं भरूंगा। इसकी गारंटी क्या है? क्या गारंटी चाहिए? एक साइन करना होगा। पुलिस, सब कुछ खत्म होने के बाद एंट्री मारने का क्या फायदा? चल आपस में समझौता कर लिया हम लोगों ने, रिवर्स गियर डालकर निकल इधर से। ए, तुझे घसीट कर थाने ले जाऊंगा, चल तेरी खातिरदारी करूं। क्या हो गया थानेदार जी? लगता है वापस अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, कह रहे जूनियर समझाए नहीं इसको। तूने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन अभी बाकी है। अब सही टाइम आया है, तेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेन की है वो भी मेरे खिलाफ? मेरे बाहर आने पर भागकर अंदर जाने वाले लोगों ने मुझे ही अंदर करवाने के लिए कंप्लेन की है। कौन है वो महारथी? जरा सामने तो आ भाई, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है। हा? अपनी गाड़ी उठा और पलटन लेकर यहाँ से चलता बन। तेरे खिलाफ कंप्लेन मैंने की है।
जन्म दिया तूने चलना सिखाया, तू ही तो है प्यारी माँ। मेरे जख्मों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया। इसे अरेस्ट कर दीजिए इंस्पेक्टर, मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। लक्ष्मी आखिर तुम क्या कर रही हो? मेरी वजह से जो आंसू गिरे तेरे नैनों से, मेरी नजरों से मैं गिरा। करुणा के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझसे हो गया। तूने चलना सिखाया, तू ही तो है प्यारी माँ। मेरे जख्मों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया। मेरी वजह से जो आंसू गिरे तेरे नैनों से, मेरी नजरों से मैं गिरा। करुणा के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझसे हो गया। इंसानियत के नाते सोचूं तो मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया, लेकिन अगर एक माँ के नाते सोचूं तो मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पता नहीं पुलिस स्टेशन में उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे। मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो? लक्ष्मी आप चुप रहिए। बोल रहा था मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा। वो हमारे सामने पला बड़ा है, उसे इस तरह मुसीबत में देखकर आप सबको दुख नहीं होता क्या? उसे छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए। जब माँ बाप ने ही उसे ठुकरा दिया तो हम उसकी मदद क्यों करें? अरे अगर हमारे बच्चे ऐसी कोई गलती करते तो क्या हम यूं ही चुप बैठते क्या? भले ही वो हमारा बेटा नहीं है, लेकिन इस इलाके का तो बेटा है ना। गुरुजी भले ही और कोई भी उसकी बेल के लिए पैसे ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगा। ये लीजिए। ये मेरी तरफ से। गुरुजी उसकी माँ की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं गुरुजी, अगर उसने मुझे वहाँ देखा तो वो वहाँ से निकलेगा ही नहीं। आप किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए। अबे बाहर निकल, मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज दिया और यहाँ चैन की नींद सो रहा है तू? हाँ क्या हुआ? मेरी आवाज सुना नहीं है क्या? लक्ष्मी वो भले ही हमसे दूर होता जा रहा है पर हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते। लक्ष्मी बोलो ना। कायर है तू, कायर। मुझसे डायरेक्ट टकराने का जिगरा नहीं है तो मेरी बेचारी माँ को इस्तेमाल करके मुझे जेल भेजवाया? हाँ अब बस देखता जा, इसे इसी इलाके के लोगों के सामने तुझे एक दिन जलील करूंगा और पूरी शान के साथ माँ को लेके जाऊंगा। तू बस देखता जा। ए, तुम लोग क्या यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े हो? ये चलो निकले यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अपन को तो लगा अपने जाने के बाद तुम लोग पूरी बस्ती में बवाल मचा के रख दोगे, पर तुम लोग की तो पार्टी चल रही है। डरपोक की औलाद, क्या है तूने आँख क्यों बंद की हुई है? अरे बापू मैंने डर के मारे आंखें बंद नहीं की है। तो फिर आपको उल्टा टांग दिया ना इसलिए। अगर गलती से आपकी लुंगी उतर गई तो मेरी आंखें वो सीन देख नहीं पाएगी। तुम गादड़ो क्या बक रहे हो? अरे वो भाई का पीना खत्म हो गया है, चलो उनको खाना दे दो, ऐसा कह रहा था मैं। मुझसे इतना प्यार तो मेरे घर वाली भी ना करे। हाँ सभी लड़कों को रात में सोते समय अपनी गर्लफ्रेंड के सपने आते हैं, लेकिन हम दोनों के सपनों में सिर्फ तू आता है। ये बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। मैं बाटली खाली करके आ रहा हूँ, तुम लोग मुझे बाटली में उतार रहे हो। तुम जैसे 100 चापलूस चैप्टर को जेब में रखता हूँ, अब अगर एक और झूठी तारीफ की ना तो हफ्ते भर के लिए ऐसे ही लटका के रखूंगा। अच्छा बेटा जरा एक ड्रिंक मेरे लिए भी बना देना प्लीज। प्लीज ना।
ये आवाज किधर से आ रही है? वो तेरे टीचर के घर में कोई फंक्शन है आज। फंक्शन है? होने वाले दामाद को जेल हो गई, लेकिन इन लोगों तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। मेरी फिक्र करने के बजाय ये लोग धूमधाम से फंक्शन कर रहे हैं। कॉस्ट्यूम चेंज, लोकेशन शिफ्ट, सर्जिकल स्ट्राइक। आज के इस कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। ये सब क्या हो रहा है? किसी के फंक्शन में बिना बुलाए घुसे चले आ रहे हो? अबे बिन छिलके के मैंगो, तेरे को मालूम है मेरी खुद की माँ ने 2 दिन के लिए जेल भेज दिया था। 2 दिन पुलिस के डंडे खाने के बाद भी तेरे फंक्शन में खड़ा हूँ। स्टेमिना की तारीफ करने के बजाय मुझे भाषण दे रहा है तू। अच्छा ये बता, ये कौन सा ऑर्केस्ट्रा है? डांस वांस का प्रोग्राम है क्या? अबे मूरख, ये कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है। जरा दिखा तो। अगर फैमिली गेट टुगेदर था तो घर के होने वाले दामाद को क्यों नहीं बुलाया? एक मारूंगा ना तो चक्कर खा के गिरेगा। क्या मैडम, मैं एक दिन जेल क्या चला गया? इतनी कमजोर हो गई, हड्डियों का ढांचा लग रही हो। आप इतना चुप क्यों हैं आज? मम्मी ने डांटा क्या आपको? पापा ने डांटा क्या? डरती हैं आप? इन सब रिश्तेदारों से कभी नहीं डरने का। इनका तो काम ही होता है बिना मतलब बकवास करना। अरे कुछ तो बोलो ना यार, आज मैंने फुल रिचार्ज करवाया। I want to talk time with you. अच्छा चलो इन सब लोग को छोड़ो, हम कहीं बाहर चलते हैं। चलो कोई बचा लो इन लोगों से। ये बंटा है, देखा ना मुझसे कितना प्यार करती है मैडम। तुझसे तंग आ गई है? मुझसे तंग आ गई? ये बंटा है, देखना ऊपर से कभी कभी लगता है कि पापा मेरे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। हाँ मुझे भी टाटा कर रहे हैं। मुझे में ना मैडम, कैसा लगा मेरे स्टेप्स, मेरा डांस, मेरी सिंगिंग? स्टॉप इट, बस बहुत हुआ। खुद को क्या समझते हो तुम? हाँ इंसान हो या हैवान, ऐसे पागलों की तरह पेश आओगे तो कौन सी लड़की प्यार करेगी तुमसे? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? वो छोड़ो, आईने में शक्ल देखिए, बदसूरत दाढ़ी, ये लंबे बाल देखकर तुमसे प्यार नहीं नफरत हो चुकी है। पता है मैं नफरत के ही लायक हूँ, प्यार व्यार करना भी नहीं सिखाया किसी ने। अगर बचपन में किसी ने मुझसे प्यार किया होता ना तो अच्छी तरह आता। ना कभी माँ का प्यार मिला, ना कभी पिता का मिला। घर में अपनों के साथ रहने के बजाय फुटपाथ पर पला बड़ा हूँ मैं। जब उस दिन तुम्हें बच्चों के साथ देखा तो तुमसे तुरंत प्यार हो गया, क्योंकि तुम उन बच्चों के लिए वहाँ अकेले खड़े होकर पैसे इकट्ठा कर रही थी। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या और तुम्हें कैसे पटाना है, ये सब मुझे नहीं आता। आज तक मुझे जो भी चीज पसंद आती है मैं उसे आसानी से छीन कर ले लेता हूँ। लेकिन मैडम, अपनों का प्यार ऐसी चीज है ना जो छीन कर हासिल नहीं किया जा सकता है। बेशक ही तुम्हें मेरी दाढ़ी और मेरे लंबे बालों को देखकर घिन आती होगी, लेकिन मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा। हम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है पता है? पढ़े लिखे लड़कों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर प्यार का इजहार कैसे करते अपन लोग को नहीं आता। मैंने तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊपर रखा है पता है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आती है ना? मेरे जैसे लड़के भले ही आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को कितना भी प्यार कर ले, लेकिन आप लोग कभी भी हमारी इज्जत नहीं करोगी, ना ही हमें कभी मौका दोगी। और मैडम, जाने से पहले एक बात सुन लो समझी, आपके बाबूजी ना सबसे टॉप लड़के से आपकी शादी करवाना चाहेंगे, लेकिन आप उन जितना सॉलिड प्यार करने वाला ना टॉर्च लेकर ढूंढोगी ना तब भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है चलता हूँ। ये क्या है यार, आज अपना एरिया अलग अलग सा कहीं लग रहा है। जल्दी जाने, आज पहली बार हम जल्दी उठे ना, इसलिए तुझे सब कुछ नया नया लग रहा है, तो टेंशन मत ले। हो सकता है। ए दो चाय दे। एक बंटा है अपनी मैडम आ रही लिए।
कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। कल रात को पीने के बाद मेरे हार्ट के जज्बात को निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया और तुम बिना कुछ बोले पतली गली से निकल रही हो। हाँ है? क्या ये? मैंने नहीं कहा अपने इमोशन बाहर निकालने को, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। मजा आ गया, वापस पुलिस स्टेशन जाएंगे, कितना मजा आएगा। अगर तुम्हारे जैसे लड़के को मैं भाव देने लग गई ना, तो यहाँ लड़कों की लंबी लाइन लग जाएगी, समझ गए? हाँ समझ गया, लेकिन आपको कैसे पढ़ाने का ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका ट्यूशन तो देती जाओ ना। देखो ड्राई डे दारू कहाँ मिलती है ये अच्छी तरह पता है ना तुम लोगों को, तो इसके बारे में भी सोचो। मुझे कैसे पटाना है सोचो, कोशिश करो। ये तो अपने कोई कंफ्यूज आके चली गई है यार, वो लड़की टीचर है और तू तो टॉर्चर है, तू इस तरह उस लड़की को पटा नहीं सकता, तुझे बदलना होगा। बोले तो क्या करूँ मैं? बाल बाल कटवा कर फॉर्मल कपड़े पहनकर उसके सामने जेंटलमैन की तरह जाना होगा, फिर वो 100% तुझे एक्सेप्ट करेगी। दोस्ती में बोलेगा तो अपन चट्टी बट्टी के लिए जान भी दे देगा, लेकिन लेडीज लोग के लिए बदलने बोलेगा तो ठोक दूंगा तेरे को। ए यार सच में इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ट्राई करके देख ले। बंटा है, कोई तो आइडिया देना, कोई आइडिया देना। मैं नहीं दे सकता आइडिया। हेलो अंकल, मैं आ गया। अरे बेटा क्या हुआ? देखिए मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, डायरेक्ट मैटर पर आता हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमें अकेला छोड़ दो, बस बहुत हुआ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गुंडे मवाली से कभी नहीं करवाएंगे। गुंडा मवाली? तू गुंडा? अंकल जी प्यार से कह रहा हूँ मैं, आकर अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। संदन जी, संदन जी, आपको उसके पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये शेर अभी जिंदा है, ये नया करेक्टर कौन है, लुंगी पहनकर अपनी पुंगी बजाने की बात कर रहे हो? हेलो, he is my brother from one of my father. मेरे भाई का इनकी बेटी के साथ रिश्ता तय हो चुका है। ओ भाई चल लेके जाए इसे यहाँ से। अरे अंकल बेटी को अच्छे लड़के को दूंगा, शरीफ लड़के को दूंगा बोल के क्या ढिल्ले को दे रहे हो आप? मुंह बंद कर अपना, मेरा भाई इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स एमबीए सब पढ़ाई कर चुका है, और तू जानवरों की तरह गटर का पानी पीने वाला गवार मेरे भाई की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। ये नरम पाव, बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है वो अपने को नहीं मालूम, पर उसको तोड़ते कैसे वो अच्छी तरह आता है। तुम इतने ही ज्ञानी हो तो फिर हो जाए मुकाबला, कौन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ कर तुम मेरे दोस्त को तो हरा दोगे। ठीक है, तेरे दोस्त को तू सवाल पूछ और मेरे भाई को मैं पूछूंगा, ठीक है ना? ये ठीक है। हाय हेलो सबको मेरा सलाम, तो आज हो रही इस क्विज कॉन्टेस्ट का नाम है कौन बनेगा टीचर का पति। तालिया तालिया। बस बस, पहले कॉन्टेस्टेंट का नाम है मिस्टर शिवू, और दूसरे कॉन्टेस्टेंट का नाम, तेरा नाम क्या बे? तुझे पता नहीं क्या? जो पूछा जाए उसका जवाब दे। प्रताप। प्रताप। अब मेरे भाई को पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ, ब्रह्म सूत्र किस व्यक्ति ने लिखा है? वेद व्यास जी ने। ए, बिल्कुल सही बोला तूने, वाह वाह वाह, कीप इट अप, कीप इट अप। ए, तेरी बारी है। ओके मिस्टर शिवो बताइए, सूरज देवता कौन सी दिशा से निकलते हैं? अपने सुबह उठने से पहले सूरज निकल जाता है, और इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहा है, कुछ इजी पूछने का। हारा हारा हारा, इसे जवाब पता नहीं, ससुर की मैं जीत गया, मैं जीत गया। किसने कहा ये हार गया? रुक सुनिए, अच्छे से सोच कर बताइए, सूरज देवता कौन सी दिशा से निकलते हैं? पूरा 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 से। सही है सही है सही है। क्या चीटिंग बे? तुमने की? काट के दिखाओ, अपने खून में चीटिंग इज नहीं है। छोटे कूल, तुझे कोई हरा सके ये संभव ही नहीं है। सन 1922 के बारे में मुझसे पूछ रहा है, तू मुझे यहाँ हराने के लिए आया क्या? वो देख उससे कैसे इजी इजी सवाल पूछ रहा है क्लू क्लू देकर, और तू इतने मुश्किल पूछ रहा है। देखिए ससुर जी, मैं कुछ नहीं जानता, अब मुझसे भी सवाल यही पूछेगा और सवाल पूछने के साथ साथ क्लू भी देगा। ठीक है तो मैं पूछूंगा। ओके तो अब मैं मिस्टर शिवू को आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। मिस्टर शिवू, मेरे हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं? तू भी मुश्किल सवाल पूछ रहा है, तू मेरा बंटा है कि इसका? मैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, यह कंपटीशन है, दोनों को इक्वल पूछा जाएगा, उनसे मुश्किल सवाल पूछेंगे और आपसे भी। बताओ जल्दी से कितनी उंगलियां हैं? नौटंकी बात। राइट आंसर। अरे अंकल ये क्या चल रहा है यहाँ, कितना आसान सवाल पूछ रहा है, देखा आपने? ऐसे हाथ दिखाकर क्लू देकर इसमें कितनी उंगलियां पूछ रहा है, ये तो कोई भी बता देगा। भाई मैं तुम्हें भी हाथ दिखाकर ही सवाल पूछूंगा। ओके अब मैं मिस्टर प्रताप को आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। मिस्टर प्रताप,
मैंने सवाल पूछा, पहले सुन तो ले। ओके मिस्टर प्रताप, इस हाथ में कितनी रेखाएं हैं? ये किस टाइप का सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ, रेखाओं को कोई कैसे गिनता तो पड़ेगा। तू नहीं तो मुझे सवाल पूछने को कहा था। कितनी उंगलियां कहकर कितना आसान सवाल पूछा और मुझे रेखाएं गिनने को कह रहा है। उसे भी हाथ का सवाल पूछा, तुझे भी हाथ का सवाल, तुझे पता नहीं है तो हार मान ले भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों हार मानूं? हां तो फिर बता कितनी रेखाएं? अरे पर रेखाएं कोई कैसे गिन सकता है? हां अरे ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग करते हो तुम लोग। हां ये हार नहीं मानूंगा, फिर से सवाल पूछोगे। क्या हो रहा है यहां पे? स्टॉप इट। पिताजी ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे साथ चीटिंग हो रही है, पूछो इनसे। मैडम मैं तो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने कौन बनेगा टीचर का बात ही गेम शुरू कर दिया और इसमें अपन जीत भी गया मालूम, और अभी ये हार नहीं मान रहा अपने। देखो मुझे किससे शादी करनी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम निकलो यहाँ से। देखो इतने दिनों से मैं तुम्हारी बातें सुनता आया हूँ, इसलिए अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, समझी? आज फाइनल आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर तुमको मैं पसंद हूँ तो खाली आवाज करना शादी कब करने की है, और अगर नहीं तो माँ बाप के सामने वादा करता हूँ कभी अपना थोबड़ा नहीं दिखाऊंगा। चल बंडा। वैसे दिस गाइस यूज़लेस फेलो हैज कम लास्ट इन क्विज। हजारों बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में है पिताजी, इसीलिए अपने भविष्य की चिंता मुझे आपसे कई ज्यादा है। वो बुरा लड़का नहीं है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी पिताजी। रामकृष्ण भाई नमस्कार। यहाँ कोई बिल्डर के लोग आए थे, हमें ये एरिया तुरंत खाली करने को कहा है, कुछ हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। आपने कहा था हमारी सहमति के बिना कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उनके मुताबिक तो आपने ही कागज पे साइन किए हैं। लेकिन मैंने तो साइन करने से मना कर दिया था। किस बिल्डर के लोग हैं वो? माल करते हो? ये जगह तो सरकार ने हमें दी है, ये किसी और की कैसे हो सकती है? अरे हमें भी तो ये जगह सरकार ने ही दी है भाई। ठीक है आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। आपने कहा था हमारी सहमति के बिना कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उनके मुताबिक तो आपने ही कागज पे साइन किए। देखिए मैंने तो साफ शब्दों में इनकार कर दिया था वहाँ पर साइन करने से, फिर मेरा साइन किया डॉक्यूमेंट पता नहीं उनके पास कहाँ से आ गया। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें कोर्ट में केस फाइल करना होगा, मैं खुद आकर गवाही दूंगा वहाँ। जैसा बोला वैसा कर दिया है। ठीक है मैं उन्हें भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। आप लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं, ऐसी आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला है। क्या मैंने रिश्वत ली है? यस। सर 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 आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? ये आदमी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अरेस्ट नहीं करें तो क्या आरती उतारे? क्या है बेटा? चाचा मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सिर्फ बताया जा रहा है। क्या किया है हम सब उगलवाएंगे, चल दो। तुम तो कह रहे थे हम लोगों को कुछ नहीं होगा, पर तुमने पूरी बस्ती को बेच डाला। जिंदगी भर हमारे साथ रहा और हमसे धोखेबाजी की तूने, तुझे गरीब आदमी की बद्दुआ लगेगी। भगवान कभी तेरा भला नहीं करेगा पापी, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा, कभी नहीं सोएगा। शाबाश। क्या रे, मेरी माँ के कंधे पर बंदूक रखकर मेरे को निशाना बना रहा था ना? हाँ देखा ना, आखिर भगवान ने तुझे सबक सिखाई दिया। ऑफिसर जल्दी से इस आदमी को ले जाइए, और गवाही चाहिए होगी तो बता देना, मैं अकेला ही नहीं मोहल्ले के सारे लोग आ जाएंगे। सही कहा ना? ए, चलो इसे। अरे वाह, जिंदगी में आज पहली बार चैन की नींद सोऊंगा। चलो चलो जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो इसे, जो कहना थाने आकर कही। मम्मी डार्लिंग, मुझे जेल भिजवाने के लिए तो आप थोड़ी 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 चली आई थी। मुझे रिश्वत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, मैं बेकसूर हूं लक्ष्मी, मुझे इनको बचाना भी इनका भला होता है। लक्ष्मी मैं बेकसूर हूं। एक धोखेबाज गद्दार के लिए अपने हीरे जैसे बेटे का तूने बलिदान दे दिया माँ, मेरे दिल के दरवाजे सदा के लिए खुले रहेंगे माँ। जल्दी से ढोल बैंड सब लेकर आओ रे, अपन को डांस करने का मूड हो रहा है। रुक जा भाई। मैडम
बस आज तुम मेरे को आई लव यू बोल दो तो सीधा आसमान में पहुंच जाऊंगा। तुम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हो, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी तुम्हारा दिल साफ है। वो भी गलत साबित कर दिया। जो इंसान अपने बाप का दुख दर्द नहीं समझ सकता वो किससे प्यार करेगा? तुम्हारी जगह यहाँ इंसानों के साथ नहीं है, जंगल में जानवरों के साथ। क्या बोली? मेरा बाप? अरे काय का बाप, कौन सा बाप? तेरे से प्यार करता हूँ इसलिए खामोश हूँ। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो अभी हॉस्पिटल में बैठ के आखिरी सांसें गिन रहा होता। तुम्हें सिर्फ यही सब करना आता है, प्यार करना नहीं आता। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जा जा, किसी के प्यार के भरोसे नहीं जी रहा हूँ मैं। ये निकलना। ए बेटा, बाजा बाजा, देख मैं अकेले खुश हूँ। इन्हें क्यों मार रहे हैं? छोड़ो मुझे। रुक जाइए। खुद को क्या समझता है बे? तू एक मामूली ऑफिसर है और कुछ नहीं। सूट बूट पहनकर तेरे से तमीज से क्या बात कर ली? तुझे लगा मैं कोई मामूली आदमी हूँ जो तेरे नियमों के आगे झुक जाऊंगा? बिजनेसमैन के भेस में एक सड़क छाप गुंडा हूँ मैं। सिर्फ दिखावे के लिए ये सूट बूट पहनकर घूमता हूँ। अगर मैं चाहता ना तो तेरी कुर्सी पे किसी को भी बिठा देता और कब का अपना काम करवा चुका होता, लेकिन तेरे मना करने पे तुझे सबक सिखाना जरूरी था। और तेरा साइन पता है मैंने कैसे लिया? हाँ, तुमने ठीक सुना, मैंने ही उससे साइन करवाया। बस इतना ही नहीं, पूरी बस्ती खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही लिया है। अरे गद्दार, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, शर्म नहीं आई? ए जरा नीचे ले। क्या बोला बे? गद्दारी की? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे बचपन से लेकर आज तक बस तुम लोग ने मेरे को पाला पोसा। निकल बे, वो क्या देख रहा है, निकल इधर से। ये पहले इसकी दुकान खाली करो रे। अब उस सारे इलाके को तेरा बेटा खुद खाली करवाएगा, देखेगा क्या। अब इधर काय को खड़े हो, जल्दी बस्ती खाली करो। वो तो पुलिस लाकर खाली करवाने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि जबरदस्ती नहीं करने का, थोड़ा टाइम दो, खुद खाली कर देंगे। देखो मेरे में कितनी इंसानियत है। उसमें ना इंसानियत है ही नहीं। अब सुन, तूने जो केस फाइल किया उसकी कल सुनवाई है, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है और साइन भी तूने किया है। इसकी गवाही तुझे देनी होगी। मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ। तो क्या फैसला किया सब लोगों ने? अरे तुम लोगों को ये बस्ती अपने जान से ज्यादा प्यारी है क्या? अच्छे से सोच लो भाई। बंडा है, इन्हें समझा यार, मेरी फीलिंग्स इन लोग तक पहुंच नहीं रही है। ओए, इनका टाइम खत्म हो गया, काम शुरू करो। अरे गुरुजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हाँ ये सब सिर्फ इन लोग के लिए, हम दोनों का इंतजाम मैंने कर दिया है। बेटा, अब तक जो तूने किया है वही बहुत है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बच्चे अब कभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। अरे बेटा, मेरे आश्रम में पला हुआ लड़का इतना जहरीला कैसे हो गया? अपने माँ बाप और अपने ही मोहल्ले के लोगों के साथ ये सब कर रहे हो, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है क्या? मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। आप चाहते कि इन लोगों के साथ मैं भी आंसू बहाऊं क्या? बचपन से वो आदमी मेरे को धोखा देता है, मालूम नहीं, मेरे को सब याद है। और इन लोगों ने मेरे लिए आज तक खींच किया, किसी के दिल में अपन के लिए कोई जगह नहीं है। कैसा धोखा? उन्होंने तो तुम्हारे लिए शादी की। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मेरी माँ को पागल बना के शादी की उसने। बस बहुत हुआ, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल पाए इसलिए तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की, किसी के बहकावे में आके नहीं। लेकिन उन्हें समझने के बजाय तुम घर छोड़कर मेरे पास आ गए। दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप ठुकरा देते हैं और वो सड़क की ठोकरें खाते हैं। लेकिन पता है मेरे आश्रम में तुम्हारा खर्चा किसने उठाया? तुम्हारे उस पिता ने। मैंने उन्हें बहुत बार तुमसे ये बात कहने को कहा, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए थी, भले ही तुम मेरे पास रहो या उनके पास रहो। और जब तुम जेल में थे, सारे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मेरे साथ पैसे इकट्ठे किए थे तुम्हारी बेल के लिए। मेहनत मजदूरी करके जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो सारे तुम पर खर्च कर दिए। तो फिर क्या सोचा तूने?
जिंदगी भर ईमानदारी से काम करता आया हूं मैं। कभी अपने माथे पर बेईमानी का दाग नहीं लगने दिया मैंने। भले ही मेरी जान ले लो लेकिन मैं नहीं मानने वाला। मुझे पता है कि तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं, लेकिन अपनी बेटी की जान तो। शिवा, मैंने उस ऑफिसर की बेटी को लाने को कहा है। तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करूंगा वही सोच रही हो ना? वैसे तुम्हारा बेटा ही उसे मेरे पास ला रहा है। मेरी बात सुन बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कर, उस मासूम लड़की की बलि मत चढ़ाऊंगा। मुझे मेरी माँ वापस चाहिए और उसके लिए जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया की बलि चढ़ा सकता हूँ मैं। मेरी खोपड़ी सनकी हुई है, कभी नहीं सुधरने वाला। अपनी माँ को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चल रहे। जितना तुम और तुम्हारे माता पिता उससे प्यार करते हो वो उसके लायक नहीं है। मुझे भैया के बारे में तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस हमसे नाराज है, वो बदल जाएंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ। hey, क्या रे, उसे चेतावनी दे दी ना, ज्यादा शानी बन रही हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम्हारे सामने लेकर जाऊंगा। बचपन से मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आज आ चुकी है। उस आदमी को जेल भेजवा दिया और उसकी बेटी को उनके पास ले जाकर छोड़ दूंगा, फिर मेरी माँ का सहारा कौन होगा? उसका सिर्फ ये बेटा, इसलिए आज मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बहना, भैया, तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ? अरे तू इतनी उदास क्यों है आज? ओह, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई क्या? नहीं। हर साल तू बिना भूले मुझे राखी बांधने तो आती रही, इस साल तू अपने भाई को भूल गई क्या? भैया वो भूल गई भाई को, अपने इस भाई को भूल गई तू? ओह, लगता है तेरे पास राखी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। ये ले, ये हाँ। अरे सोच क्या रही है पगली, बांध दे। कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मन भर गया मेरा, बहुत खुशी हुई। जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो भाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में बहन को एक अच्छा सा तोहफा दे। लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया। अरे ऐसे नहीं चलेगा, पहली बार राखी बांधी है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुम्हें भी ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। मेरे साथ मतलब अपने भाई के साथ चलोगी ना? हाँ भैया, चलूंगी। तो आओ चले। क्या हो गया पहना, इन लोगों को देखकर डर लग रहा है क्या? आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भैया? आज आपकी एंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाय यहाँ बैठे हुए भाई। तुम लोगों को एक खास दावत देने में यहाँ आया हूँ। डार्लिंग, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार। आई लव यू। लेकर आ। अबे। <आ, भी? laughs>
ले आओ उसे। मेरे को लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है। चल आज तुझसे ही शुरू करता हूं मैं। आजा। ए शिवा, क्या कर रहा है? भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूं मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले। इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहां बैठी है ना, उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी, कचरा, लोफर, ठग समझती है। कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं, पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। यार रिश्ते नातों में कितनी ताकत होती है, उस वक्त एहसास हुआ मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम लोहे के हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है। 10 साल तक मैं अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे। और वो भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला, और इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और तुम सबकी धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। बल्कि जब किसी बहन पर खतरे का साया मंडराता है, तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है? आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ए, तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता है तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है, लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूँ मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में, भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगा कर निकल जाऊंगा मैं। बेटा, तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है। अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो। एम्बुलेंस लेकर आ।
फोन लगा और पूछो कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? आता होगा बेटी। बस वो आ ही रहा है, रास्ते में ही है। अरे आज उसकी एंगेजमेंट है। अपन ने सोचा क्यों ना छोरे की एंगेजमेंट से पहले छोरे को थोड़ी सी तमीज सिखा दी जाए। वही कार्यक्रम चल रहा है। अगर उसे कुछ हुआ ना, वो तो तेरे ही हाथों में। अरे ये बता तू चाहता क्या है? छोड़ दे, जिसे तूने जेल में बंद करवाया है छोड़ उसे, और अपन के इलाके में अस्पताल बनवाने का ख्वाब भी छोड़ दे। ठीक है छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करता, तो तुझ जैसे दगाबाज आदमी पर कैसे करूं? चुपचाप वहां पर जा और मेरे सामने सब कर। कॉल पर तेरा बेटा दिख रहा है ना, वैसे ही सब मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी से पुलिस स्टेशन ले जल्दी। तो होता रहेगा, उन्हें छोड़ दो जल्दी। अरे सर आप बात क्या कैसा कह रहा हूँ, ऐसा कर, छोड़ो नहीं जल्दी। सर आप जा सकते हैं। सर सर आप जाइए। मैडम मैडम आप भी जाइए। देखो मैंने छोड़ दिया, वो जा रहे हैं, तुमने देखा ना? देखो 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 सब सब यही पर है, देख रहे हो ना? देखो देखो अच्छे से देख लो, देख लो। अरे सब लोग सुनो भाई, यहाँ देखो मैं सारे कागजात फाड़ रहा हूँ, किसी को बस्ती खाली करने की जरूरत नहीं है। फाड़ दे, देखो देखो फाड़ रहा हूँ मैं, फाड़ रहा हूँ। जो तूने कहा मैंने कर दिया, अब उसे छोड़ दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो देख लेना तू। मेड इन इंडिया पिस्तौल हूँ मैं, सामने खड़े दुश्मन को सिर्फ ठोकता नहीं हूँ, उसे पूरा चीर कर रख देता हूँ। आज तुझे पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। Handle me with care. आपने एक राक्षस को पाला है, पता है आपको? वो राक्षस नहीं है बेटा, वो किस दौर से गुजर रहा है मैं ही जानता हूँ। पूरे परिवार के होते हुए भी वो बचपन से अकेला पला बड़ा है, एक अनाथ की तरह जीता रहा, बस अपनी माँ को लेकर थोड़ा जिद्दी है बेचारा, लेकिन किसी के दिल दुखाने का इरादा नहीं उसका। रुक माँ, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बुला। पैसों के लिए तुमने अपनी बहन की जान दांव पे लगा दी, यकीन नहीं होता तू मेरा बेटा है। वो बेचारी मेरा भाई आएगा कहकर तेरा इंतजार करती रही, और तूने उसे ये तोहफा दिया। अपनों को तड़पाने वाले मनुष्य का तो सर्वनाश हो जाना चाहिए। किन्हीं हाथों से तुझे पाला था इसलिए मैं लाचार हूँ, वरना तुझे मार ही डालती मैं। चल जा, जा यहाँ से, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, कहिए इसे यहाँ से दफा हो जाए। कितनी बार तूने मुझे जलील किया, मुझे गालियां दी, मेरा अपमान किया, लेकिन फिर भी मैं सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा मानता था। लेकिन तूने तो मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा और उसके साथ ये सब कुछ किया। अगर वो तेरी सगी बहन होती तो तू उसके साथ ऐसे ही करता? खड़ा क्या है, जा यहां से, जा। अरे अपनी बहन वो है इसकी जिंदगी पर। ऐसे पापी लोग पता नहीं कैसे जिंदा रहते हैं। पहले पूरी बस्ती को भेज डाला और अब अपनी बहन को भी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है ये। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पता है आपको उन्होंने क्या कहा मुझसे? मुझे रिश्तों की अहमियत नहीं पता, राक्षस हूँ मैं, मेरे पास दिल नहीं है। बचपन से आप मेरा ख्याल रखते आए हैं ना, तो आप ही बताओ क्या मुझे रिश्तों की अहमियत नहीं पता? मेरे पास दिल नहीं है क्या? हाँ
बचपन से बस माँ वापस चाहिए थी, उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता था, उसके लिए पैसा कमाना होगा यही सोच कर बैठा था। अपनी माँ को पाने के जुनून में सब कुछ भूल गया और ऐसा बन गया। आपको पता है आज मेरी माँ ने मुझसे क्या बोला? तुझे इन्हीं हाथों से पाला है इसीलिए मैं लाचार हूँ, वरना तुझे मार डालती। लेकिन माँ को क्या पता, मैं तो बचपन से ही मर मर के जी रहा हूँ। इस दुनिया में, इस जगह पर अपने दिल की बात बताने के लिए, अपना दुख बताने के लिए मेरा आपके सिवाय और कौन है? कोई नहीं। लेकिन उन लोगों की तरह आप भी मुझे ठुकराना मत। मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मैं आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कसम खाता हूँ। कल के कल मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं कहीं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगा सोच रहे हैं क्या? ए, नहीं, नहीं। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ जरूर है, लेकिन मुझे जिंदगी देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मुझ पर सिर्फ आपका हक है और मेरी जान लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। टीचर भी आ गए, सबने अच्छा सुनाया आज, बस आप रह गए थे। चलिए कसर पूरी कर लीजिए। मैं क्यों सुनाऊंगी? आजकल के जमाने में जरा से दुख पर लोग दूसरों की सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन तुम अपना सारा दुख और दर्द अकेले ही झेलते आए हो। देखो, मैं तुम्हारा दुख और दर्द दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उसे बांट तो सकती ही हूँ ना, कुछ समझे या नहीं? अरे यहाँ चिल्लाना बंद करो, जाओ यहाँ से। अरे बोला ना तुमको, जाओ यहाँ से, जाओ। इस तरह झगड़ा करने से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा क्या? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे सर। ऑपरेशन थिएटर में हमारे दो डॉक्टर्स तो बेहोश होकर गिर ही पड़े। ये लौंडा कोई मामूली इंसान नहीं है, शेर है। इसे दबोचने के लिए खूंखार भेड़ियों की फौज लानी होगी, जो इसे चीर कर रख देंगे। इतना बड़ा धमाका करूंगा कि उसकी आवाज पूरे शहर में गूंजेगी। समझता है उस शिवा को बुलाओ इधर। उसे यहाँ कैसे लेकर आना मुझे पता है। सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करो। मुझे लगा बेटे की मौत के बाद बाप किसी कोने में बैठकर शोक मनाएगा। राक्षस हूँ मैं और अब ये राक्षस तेरा सर्वनाश करेगा। मेरा सर्वनाश करने के लिए पहले तेरा बेटा आया और मैंने उसका टिकट काट कर उसे ऊपर भेज दिया। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और तू उसे ही ललकार रहा है। डायलॉग बाजी बहुत हो गई, आ जा।
You're gonna be the monster. देखो मैं इस इलाके का राजा हूँ ये कहता था ना तू। कैसे लाचारों की तरह खड़े हैं साहब। देखो साहब इसकी हालत। तुम्हारी फटीचर जिंदगी बचाने के लिए इसने मुझसे पंगा लिया, मुझसे। नोटों की बारिश की इस पे, नहीं माना। बहन को मोहरा बनाया फिर भी नहीं झुका। तुम सब भिखारियों के लिए मेरे बेटे को, मेरे बेटों को इसने बहुत बेरहमी से मारा। जिसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया उसे बचाने के लिए कोई आगे आएगा? आओ ना। देख एक भी आदमी नहीं आया और इनके लिए तूने मेरे बेटे को मारा। शिवू, 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 मेरे बच्चे देख, तेरी माँ आई है बेटा। उठ शिवू, उठ शिवू, शिवू मुझे माफ कर दे। शिवू, शिवू, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? इसे अकेला छोड़ दो। तुम लोग, तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ मैं, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात का घमंड है तुझे? मेरे बेटे का? हाँ, अपने बेटे पर नाज है मुझे। अगर तुझे अपनी नालायक औलाद पर नाज हो सकता है तो सोच, एक शेर को पैदा करने वाली माँ को कितना नाज होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को माँ का प्यार कभी नहीं दे पाई। बस मेरी कोख से जन्म लेने के नाते मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा, और अपनी माँ के लिए आज ये उठकर तुम सबको खत्म कर देगा। भाषण मत दे ज्यादा, उठा इसे। शिवो, शिवो, उठ शिवो, आंखें खोल बेटा। अब इसके पास पहुंचाने का वक्त आ गया। बस बहुत हुआ बेटा। शिवो, ये नामर्द, अगर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में कुछ सोचेगा भी ना तो उसे हर जन्म में आके तड़पा तड़पा के मारूंगा। सोए हुए शेर को जगा के अच्छा नहीं किया, अब तेरा शिकार होगा। शिव, Ugh!
माँ तू अपने बेटे के पास आकर आ ही गई ना माँ। मानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की है लेकिन तेरे लिए प्यार बिल्कुल सच्चा है माँ। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, नहीं। चल माँ चल, चल यहाँ से अपने घर चलते माँ। लक्ष्मी जाओ उसके साथ, उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेकिन मुझसे एक वादा करके जाओ लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग सिर्फ मेरा बेटा ही देगा। इतने सालों तक मेरी माँ को मुझसे दूर रखकर गुस्सा दिलाया और अब मरने की बात करके मुझे फिर से गुस्सा दिलाओ मत बाबा। शिवू और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शिवू दुष्ट चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों न बन जाए लेकिन उसे भगवान के सामने झुकना ही पड़ता है। एक सच्चे भक्त पर चाहे कितने ही संकटों का तूफान क्यों ना आ जाए भगवान हमेशा उसे उन संकटों से निकाल देंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।